हेलो फ्रेंड्स, घर का खाना में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, ऐसा सैंडविच जिसे सिर्फ हम 2 मिनट में तैयार करेंगे, वो भी बिना गैस और बिना ओवन के। तो आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। आप कोई भी ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और इसके मैंने साइड के कट कर दिए हैं तरीके से। सारे ब्रेड के मैंने साइड में से कट लगा दिया। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है और इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी, क्योंकि मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। ये कद्दूकस किया हुआ गाजर है, ये भी लगभग हमने 2 चम्मच लिया है। ये कद्दूकस किया हुआ खीरा है, लगभग 1 बड़ा चम्मच लिया है हमने। सबको मैंने कद्दूकस करने के बाद सबका मैंने पानी निचोड़ दिया है अच्छे से। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, लगभग 1/4 चम्मच। साथ ही काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, वो भी लगभग 1/4 चम्मच। ये हमने यहाँ पे मेयोनीज लिया है, मेयोनीज ऐड करेंगे। ये लगभग 1 बड़ा चम्मच है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इसमें हमें बटर लगाना है। इसमें हम अच्छी तरीके से चारों तरफ बटर लगा लेंगे। यहाँ पे हमने सारे ब्रेड में बटर अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब जो हमने ये फिलिंग तैयार की है, इसमें हम लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस फिलिंग में मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि यहाँ हमारे बटर में भी नमक है और मेयोनीज में भी नमक है। लेकिन अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल सकते हैं। इसमें हम चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला लेंगे। यहाँ पे हमने 2 ब्रेड में अच्छी तरीके से जो हमारा वेज है वो हमने अच्छी तरीके से फैला लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर में बटर ना हो तो आप उसकी जगह ताजी मलाई भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम जिसमें बटर लगा हुआ है इस तरीके से ऊपर हम लगा देंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। और बीच में से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने इसे कट कर लिया है। और ये कट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए कितना क्रीमी, बहुत ही टेस्टी बना, बहुत अच्छा बना और कितनी आसानी से कितनी जल्दी बन गया है। आप इसे बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, उनके टिफिन में भी दे सकते हैं। और जो इसका ये टेस्ट बच गया है, ये देखिए इतना हमारा ये टेस्ट बच गया है। इसे आप फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री है। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।